भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। चलिए डालते हैं नजर इस अहम खबर पर। मध्य प्रदेश को 23,000 पंचायत सचिव कोरोना से निपटने के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान करने की बात की गई है। 3 दिन का वेतन पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने वीडियो संदेश के जरिए जानकारी दी है। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से सब लोग आगे आ रहे हैं इस आपदा में। नमस्कार। प्रदेश और देश में आ रही कोरोना वायरस की इस मात्र सदी में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन सबसे पहले जनता के सजग प्रहरी, स्वास्थ्य विभाग के समस्त डॉक्टर और उनके विभाग के कर्मचारियों का, पुलिस के अधिकारियों का, पुलिस कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। हमें गर्व है कि भारत और मध्य प्रदेश जैसे हमारे देश में और प्रदेश में आप जैसे लोग सक्रिय हैं और जनमानस की जान की रक्षा के लिए आप दिन रात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन चाहे बाढ़ की त्रासदी हो या और केदारनाथ जैसी बहुत बड़ी बाढ़ की घटना हो, हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। आज इस कोरोना वायरस की लड़ाई में मैं पूरे देश प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में रहने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। हम सबको पूरे आनंद के साथ, ऊर्जा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस बना करके घर में रहना है। मैं प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 23,000 ग्राम पंचायतों में हमारे पंचायत सचिव गांव की जनता को प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से ही घर में रहने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको समझाइश देंगे कि कोरोना वायरस से बचाव ही इसका सबसे बड़ी इलाज है, उपाय है। हम इसके बचाव के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके कोरोना के संघर्ष में प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिव आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रदेश की सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव हमारे 3 महीने का वेतन जो हमारा चल रहा है लेना है, उसमें से हम अभी जो अप्रैल महीने में भुगतान हो रहा है, हम 3 दिन का वेतन जो 5.5 करोड़ रुपए की राशि बनती है, मैं हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल ही आप इस प्रकार का पत्र प्रदेश की 313 जनपदों को जारी करें कि अप्रैल का वेतन 1 अप्रैल को मिलने वाला है, मार्च का वेतन, उसमें से 3 दिन का वेतन काट करके जो 5.5 करोड़ की राशि बनती है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सहायता कोष खाते में जमा करें, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत के साथ कोरोना वायरस की इस महान लड़ाई को लड़ सके। मैं पुनः सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन हमेशा सरकार के साथ रहा है और हमेशा सरकार के साथ रहेगा, और इस दुखद घड़ी में हम प्रदेश की सरकार के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं। और मैं हमारे अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल हम आधिकारिक रूप से पत्र आपको व्हाट्सएप पर प्रेषित करेंगे। हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति मानकर प्रदेश की समस्त जनपदों से हमारे सचिवों का 3 दिन का वेतन 5.5 करोड़ की राशि 1 अप्रैल को कटौतरा करा करके सरकार के खजाने में जमा कराने की कृपा करें, और हम सब दृढ़ निश्चय के साथ प्रधानमंत्री जी की अपील पर, मुख्यमंत्री की अपील पर हम सब एक साथ रहें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डिस्टेंस बना करके अपने घरों में रह करके इस लड़ाई को हम जीतेंगे। ईश्वर हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, हमारा हौसला हमारे साथ है। जय हिंद, जय भारत।